बताइए सर, आज से रायगढ़ जिले में रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा और जो भी अनावश्यक रूप से घूमता पाया जाएगा उसकी कार्रवाई होगी। सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि रात को अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। हमारे जिले में पॉजिटिविटी 4 से ज़्यादा थी कल और शासन के ये निर्देश है कि 4 से ज़्यादा जहाँ भी पॉजिटिविटी आई है वहाँ पर सभी पब्लिक गैदरिंग है या प्रोसेशन है, रैली है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। सभी स्कूल और आंगनवाड़ी को बंद किया जाए तो वो बंद कर रहे हैं। जिम है, स्विमिंग पूल को बंद कर रहे हैं और सभी लोगों को मेरी अपील है कि मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज़्यादा ना जाएं और खुद भी भीड़ भाड़ ना करें तो अपना काम करके और किसी भी अन्य से किस कहीं पर भी बेकार में ना खड़े रहें, अपने घर जाएं। और ये जो वायरस है बहुत तेज़ी से फैलता है तो सभी लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। जहाँ पर भी केसेस निकल रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा केस निकल रहे हैं या इवन एक केस भी निकल रहा है तो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, चाहे वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन हो या बड़ा नॉर्मल कंटेनमेंट जोन हो, तो उसका सब लोग पालन करें, बिल्कुल भी इसको हल्के में ना लें। और जहाँ पर भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है वहाँ के जो घर हैं वहाँ उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो उसका अच्छी तरह से पालन करें और कोई भी आवश्यकता होने पर प्रशासन के नंबर भी हम जारी करेंगे। हमारा कंट्रोल रूम पहले से ही काम कर रहा है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, एम्बुलेंस की ज़रूरत है या टेस्ट करने की ज़रूरत है वहाँ पर फ़ोन करके बता सकते हैं। सर, इंडस्ट्रीज के लिए किस तरह की गाइडलाइन? इंडस्ट्रीज को भी ये बताया गया है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो लोग बिना टेस्टिंग के, ये अपने यहाँ के भी हैं, बिना टेस्टिंग के जो बाहर से अंदर ही किसी दूसरे ज़िले से आ रहे हैं तो टेस्ट करवाने के बाद ही वहाँ पर काम करना चालू करें और सभी को डबल वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। नहीं, अभी जैसे जैसे सिचुएशन इम्प्रूव हो, मतलब सिचुएशन बिल्डअप होगी उसके हिसाब से खोले जाएंगे। हमारे सभी ब्लॉक में अभी ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाई गई है सभी CHC में, इवन जो PSA प्लांट भी लग चुके हैं सभी जगह पे सभी, तो इस बार तैयारी हमारी पिछले बार से भी ज़्यादा है। इस बार पाइपलाइन पिछली बार नहीं थी, कई जगह पे सिलेंडर की सहायता से हमने ऑक्सीजन बेड बनाए थे, लेकिन इस बार सभी CHC में भी ऑक्सीजन पाइपलाइन है। हमारे MCH में भी पाइपलाइन पिछली बार नहीं थी, वहाँ पर भी पूरा 100 बेड जो है पाइपलाइन के माध्यम से तैयार है। साथ ही मेडिकल कॉलेज में तो पाइपलाइन पहले से ही है तो उस हिसाब से तैयारी हमारी पूरी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑर्डर्स को लेकर कोई निर्देश दिए गए जो उड़ीसा बॉर्डर से लगते हैं? हाँ, उड़ीसा बॉर्डर या जो भी बॉर्डर हमारे लगते हैं और रेलवे स्टेशन पर लगातार जो रैंडम चेकिंग जो बाहर से लोग आ रहे हैं की जाएगी, जो सिम्टोमेटिक है उनका एंटीजन टेस्ट और बाकी लोगों का रैंडमली RT-PCR जाएंगे। थैंक्स।